डम्पलिंग्स एंड कंपनी, ये है आज दशहरे का दिन है और यहाँ पे ये सुभाष नगर गोल चक्कर है। यहाँ पे मेन शॉप इन्होंने खोली है और ये नई शॉप खुली है और यहाँ का क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे ये देखते हैं। स्पेशल व्हीट डम्पलिंग्स, डम्पलिंग्स ये नया सा नाम रख दिया जबकि है मोमोज ही, बट अलग तरीके से देखिए कितने प्यार से लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही अच्छे सफाई से बना रहे हैं। तो यहाँ पनीर डम्पलिंग्स हैं, पनीर स्टीम, पनीर फ्राइड, पनीर ग्रेवी, पनीर कुरकुरे, पनीर तंदूरी, वेज साइड्स हैं, सैल्टेड फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज, या इंग्लिश में ही लिखते हैं, अच्छा वेज व्हीट स्टीम, वेज व्हीट फ्राइड, वेज व्हीट तंदूरी, तो ये सब यहाँ मिल रहा है। और लेट्स सी सर क्या क्या खाना है। ये देखिए यहाँ पे आज की तैयारी कर रहे हैं, आज ऐसे लग रहा है सब बोरों में पैसे लेके जाएंगे, इतनी सेल होगी आज, सब लोग निकले पड़े हैं अभी से और रात को तो यहाँ पे पूरा जाम हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। सो ये क्या बना रहे हैं आप सर? ये मैरिनेट कर रहे हैं कुरकुरे मोमोज को। कुरकुरे, और आपका नाम क्या भैया? रूपक। कब खुला आपने ये शॉप? सर ये अभी एक वीक हुआ। आपका बहुत चलेगा। थैंक यू सर। आप बस सोचिएगा कि चल रहा है तभी चलेगा। बिल्कुल। अच्छा आप पार्टनर्स हैं दोनों? हाँ जी। अच्छा का आपका कैसे आइडिया लगा आपको खोलने का? सर एक्चुअली बहुत पहले से प्लान था हमारा। ओके। खोलना है, हमारे कैफेज वगैरह भी हैं, बट हमने सोचा ये स्टार्टअप करते हैं। आपको मैं एक आइडिया दूं? हाँ जी बिल्कुल। मैं भी इससे पहले सोच रहा था खोलने का ऐसे कुछ, तो मेरा जो हेडिंग होगा ना ऊपर, वो हेडिंग को यहाँ मत आना, वो देख के लोग जरूर आएंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या मिल रहा है कि यहाँ मत आना लिखा है, तो वो है। अच्छा ये आप बड़ा अच्छे तरीके से, क्या ये क्या है इसका? सर ये कुरकुरे मोमोज के लिए प्रिपरेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद आप उसमें डाल देंगे? स्लरी है। ओके ओके ओके। सो आपने शेफ का कोर्स किया है क्या ऐसा लग रहा है आपको? सर मैंने थोड़ा सा करा है, ज्यादा पूरा प्रॉपर शेफ नहीं हूँ। अच्छा, कुछ कुछ बना रहे। आप घर पे भी ऑर्डर देते हैं? आपका नंबर? 7711 8871 8871। आप घर पे, यहाँ वेस्ट दिल्ली में कहीं भी रहते हैं जैसे आप रजौरी या सुभाष नगर या हरि नगर कहीं पे भी रहते हैं, तिलक नगर भी आपका आ जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगा। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सफाई से बना रहे हैं, मेन बात ये है इनकी। और इन्होंने कह रहे हैं कि शेफ का कोर्स भी किया है। हमारे पास यहाँ पे आटा मोमोज भी मिलते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। हमारे जो मैदे वाले मोमोज है उसमें भी ग्लूटीन होता है 7%। ग्लूटीन 7% होता है? ग्लूटीन होता क्या है? ग्लूटीन सर हम आटे को ही बोलते हैं, प्रोटीन सोर्स होता है। ओके ओके। ऑयल भी हम सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करते हैं। ओके, सनफ्लावर ऑयल देखिए कितना अच्छे से यूज करें, बहुत ही सही है ये चीज़। सनफ्लावर ऑयल तो हर चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड। बहुत सफाई से बना रहे हैं, ये होता है एजुकेटेड लोग जब काम करते हैं तो ऐसे होता है, वो हर चीज़ समझते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके हिसाब से ही लोग काम करते हैं। हम हाइजीन पे काम करें, हाइजीन पे काम करें, देखिए वेरी नाइस। क्योंकि लोग ना आजकल यहाँ पे भी मोमोज मिलते हैं, आपको पता है सुभाष नगर वहाँ पे वो गढ़ है मोमोज का, और इतने गंदे तरीके से बनाते हैं ना वो लोग। क्या आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ जी सर, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। मेरा भी था रजौरी में शॉप, तो मैं भी वहाँ पे गया था बट मैंने लिया नहीं। तो वहाँ पे ना मतलब आप मोमोज बोलो वहाँ पे, मतलब आपको किलो के हिसाब से मोमोज मिलेंगे। कितना ट्राई करके देखो। हाँ नहीं, हम खाएंगे जरूर खाएंगे, आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम रेगुलर लेंगे आपसे घर। आपको होम डिलीवरी है तो मिनिमम चार्जेस? होम डिलीवरी के अभी अराउंड 2 किलोमीटर का फ्री है। 2 किलोमीटर फ्री है? ओके, तो कितने भी चार्जेस हों। अरे वाह, वेरी नाइस। सो ये है इनका, अब क्या ऑर्डर करना है? क्या ऑर्डर करना है? स्पेशल आटा मोमोज है, स्टीम में भी है, फ्राइड भी है, ग्रेवी में भी। जिसमें इंग्रेडिएंट कुछ डिफरेंट हो, वो कौन से मोमोज हैं? इंग्रेडिएंट्स हमारे जो वेजिटेबल्स वाले हैं उसमें हम स्पेनिश कैबेज यूज करते हैं, हमारे इंडियन स्पाइसेस हम नहीं यूज करते। अच्छा, तो और कुछ स्पेशल हो, कुछ अलग? क्योंकि हमारे मेज में साथ है ना, ये मोमोज एक्सपर्ट है, हर टाइप के मोमोज, मोमोज के दीवाने कह सकते हैं कि हम मोमोज के दीवाने। ट्राई करके देखो, वेजिटेबल भी इसके अंदर स्पेनिश कैबेज और अपना स्वीट कॉर्न वगैरह मिक्स। और पनीर वाले में क्या है? पनीर वाले में भी जो हम पनीर यूज करते हैं ना, लोकल पनीर यूज नहीं करते। अच्छा, हमारा पनीर भी वो मलाई वाला पनीर, मलाई पनीर आता है प्रॉपर, वो वाला 360 kg का आता है, वो वाला यूज करते हैं। अरे वाह, ठीक है। तो कौन सा खाएंगे सारा? बताओ अभी हम देखिए, अभी हम वेज मोमोज, क्योंकि देखने बड़े प्यारे हैं, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और ये है कुरकुरे मोमोज,
कुरकुरे पनीर मोमोज, दीज आर द मोमोज वी हैव। और हम आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है इनका। सो चटनियाँ देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं। लुक एट दिस नाउ, क्लियर है। तो ये है इनका पनीर मोमोज। मोमोज ऐसी चीज़ है जो कि मैं खाता नहीं हूँ, बट जो शूट कर रहे हैं वो मोमोज के दीवाने हैं, तो इसलिए मैं खाना पड़ रहा है। सो टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बनाने वाले वो शेफ़ हैं, तो इनको पता है कैसे काम करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो सो जैसे कि आप शॉप देख भी सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अलग है और बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं, बहुत प्यारे टेस्ट, बहुत मतलब मैंने ऐसे मोमोज अभी तक नहीं खाए, आज तक नहीं खाए, टेस्ट इतना अच्छा है। वेज हम ट्राई करेंगे। जिन्होंने बनाया ना बहुत सफाई से बनाया, वो चीज टेस्ट में भी आ रही है, वो चीज बहुत तमीज से बने हुए मोमोज, वो चीज़ पता चल रहा है देख के। तो ये देखिए जो वेज की जो स्टफिंग है ना, और उसका टेस्ट है वाइट वाले के साथ बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो आप वेज में कहीं भी हैं तो आप यहाँ पे आके मोमोज खा सकते हैं। सुभाष नगर गोल चक्कर है, वहाँ से आप मायापुर से आएंगे सुभाष नगर गोल चक्कर, उसके आगे आगे लेफ्ट साइड में ये शॉप है, बहुत ही अच्छे मोमोज हैं, ये वाले बहुत स्पेशल मोमोज हैं। भैया भैया जो ये कुरकुरे मोमोज हैं, ऐसे मोमोज हमने आज तक खाए नहीं, हर टाइप के मोमोज हर जगह से मोमोज हम खाते हैं, लेकिन ऐसे मोमोज नहीं खाए कहीं। थैंक यू। मैंने अभी जो शूट किया यहाँ पे भैया से भी जो शूट किया, ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, लुक एट द जेस्चर, ये आटा मोमोज हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये वाला चटनी जो है अच्छा नहीं है, ये चटनी आटा मोमोज का अच्छा लगता है, तो इसीलिए इन्होंने हमें स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो बहुत ही स्वीट जेस्चर है इनका भैया का, तो आई होप इनका काम बहुत चलेगा। सो दिस इज आटा मोमोज, नाउ लेट्स सी ये कैसा टेस्ट है इसका। इसमें शायद अदरक भी है, शायद मे बी आई डोंट नो, खा के पता चलेगा। मैंने बोला इसके साथ खाएंगे तो आपको टेस्ट आएगा। सो लेट्स हैव, टेस्ट अलग ही है, मैंने ऐसे मोमोज नहीं खाए, क्योंकि हम वेस्ट जल में इतने टाइप के मोमोज मिलते हैं, वो सब मैंने खाए, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं खाया, इसका टेस्ट डिफरेंट, अलग सा ही टेस्ट आ रहा है। जैसे वो टमाटर की चटनी होती है, वो आप रोटी के साथ मिक्स करके खा रहे हो, इस टाइप का टेस्ट आ रहा है, बट एक अलग ही टेस्ट है, मोमोज वाला टेस्ट नहीं, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। मैं मेरे को ना ये वाली चटनी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैं इसके साथ खाऊंगा। ये चटनी अल्टीमेट है। This is a proof.